भी हमने देख लिया था। आज हम डजन की बात करेंगे, मीन्स हाउ मेनी इन 23 डजन, यानी 23 डजन में कितना होता है, यही आज हम देखेंगे। तो मेनी थिंग्स आर सॉल्व बाय द डजन, फॉर एग्जाम्पल बैंगल एंड बनानास आर ऑफ्टन सॉल्व बाय द डजन। यानी बच्चों मार्केट में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमें डजन के हिसाब से मिलती है, जैसे कि बैंगल है, फिर बनानास है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डजन में खरीदते हैं, और हमें एक डजन जो वर्ड्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हम बहुत बार सुन चुके हैं। तो यहाँ पर है कि वन डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, वन डजन बनाना मीन्स 12 बनाना। जैसे कि 1 dozen bangles is equal to 12 bangles, तो कि 23 dozen bananas is, यानी अब क्या है 23 dozen की बात है, 23 dozen is, यानी 23 dozen में कितना होगा, 23 multiplied by 12, 23 multiplied by 12 bananas, तो कि 23 multiplied by 10 is equal to 230, सो आंसर इज मोर देन 130। क्या बात है, अगर 23 मल्टीप्लाई बाय या 1 को गिवन डिवाइड कर देंगे 10 प्लस 2, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 23 और ये 0 यानी 230, तो आंसर हमारा क्या होगा मोर देन 230, यानी 230 से हमारा आंसर बड़ा होगा। क्योंकि हाउ टू फाइंड 23 मल्टीप्लाई बाय 12, चलो अब फाइंड करते 223 मल्टीप्लाई बाय 12। वी कैन डू इट द सेम वे, यानी कि जो हमने आगे जो रास्ता देखा था, यानी जो वे जो मेथड का यूज किया था वही मेथड यूज करते। 23 इज 20 एंड 3, यानी पहले 23 को डिवाइड करते बच्चों, 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 3। इसी तरह डजन की जो 12 है उसे डिवाइड करते हैं एंड 12 इज 10 प्लस 2। अब भारतीय मेथड यानी भारतीय गॉड भारतीय ने जैसे लिखा था हम भी इसी तरह लिखते हैं, तो बच्चों भारतीय ने कैसे लिखा था, यहाँ पर पहले 23 को लेंगे 20 प्लस 3, अब यहाँ पर 12 यानी 10 प्लस 2 12 हो गए। अब हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर देखो पेज नंबर 140 नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट भारती गॉड यानी कि भारती ने इस तरह लिखा, तो मुझे यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2 एंड ये 2 0 यानी 200। अब नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30, अब यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 4 एंड 0 यानी 40। अब नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो भारती ने इसी तरह किया एंड भारती गॉड, अब क्या किया उसने 240 30 प्लस 6 सबका एडिशन, क्योंकि यहाँ पर जो सभी बॉक्स में जो आंसर है वो सभी आंसर का एडिशन, ओके 200 उसके बाद क्या है प्लस 40 प्लस 30 एंड प्लस 6 इन सब का एडिशन, तो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस 6 तो 6। अब यहाँ पर 4 प्लस 3
बॉक्सेस टू गेट द आंसर, यानी बॉक्स में जितने भी नंबर थे हमने सबका क्या किया एडिशन, तो कि दैट इज करेक्ट। अब हमें करेक्ट है या रॉन्ग है कैसे चेक करेंगे, ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन की मेथड है 23 मल्टीप्लाई बाय 12, दो नंबर का पहले जीरो लेंगे, फिर 1 3 3 एंड 1 2 4, फिर 2 3 6 और 2 2 4, तो कि 6 2 + 3 + 4 यानी 7 and 2, तो ये भी आंसर क्या है 276 और ये भी क्या है 276। तो ये जो हमारी मेथड है वो कैसी हो जो राइट, और हमने आगे भी देखा था कि हमारा आंसर क्या होगा 240 से ज्यादा आएगा, हमने आगे देखा तो ये क्या है 276, तो कि दैट इज करेक्ट 23 × 12 = 276, तो कि 23 डजन बनाना इज 276 बनाना। अपने बॉक्स में जैसे थे वैसे सेट किया, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या होगा 10 40 × 10, तो क्या करेंगे 1 4 पहले 10 × 4 = 1 4 4, तो ये 2 0 यानी 400। अब यहाँ पर 3 4 12 और ये 1 0, अब यहाँ पे 10 × 3 = 30 और 3 3 9, यानी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो सभी आंसर है उसका एडिशन, एड द नंबर इन द बॉक्स इज, यानी कि ये जो सभी नंबर है उसका एडिशन, तो क्या है आंसर 5।
3, 1 for the 4, 3 for the 9 और 3 for the 12. अब ये जैसे 0 plus 9, तो कि 9, 2 plus 3, तो कि 5, और 4 plus 1, यानी 5. यानी हमारे दोनों आंसर कैसे बच्चों? दोनों आंसर सेम है, इसलिए ये जो हमने ये सम काउंट किया हो कैसा है? बिल्कुल करेक्ट. अब नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है, तो बच्चे यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, यानी सभी मल्टीप्लिकेशन जो दिए हुए हैं, वो हमने ये जो पूरी मेथड है, ये मेथड का यूज करके आपको अपनी नोटबुक में काउंट करने, बट एक जो फर्स्ट है वो मैं करवा दी, बाकी आपको अपने से अपने होमवर्क यानी अपनी मैथ्स की नोटबुक में काउंट करने. तो चलो पहला है वो देखते हैं. ये सभी आपको अपने से काउंट करने हैं. अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पैटर्न. बच्चों यहाँ पर 9 का टेबल दिया हुआ है, जो पैटर्न में वो हमें फिलअप करना है. पहले 9 का टेबल 1 = 9,
4, 9, 7, yes, 63 और 9, 8, 72. तो मुझे ये तो फिलअप हो गया. अब क्या करें? यहाँ पर देखो, 9 को फर्स्ट में 1 से मैंने लिख दिया और लास्ट में 8 से. तो इन दोनों का रोज और 8 का एडिशन क्या है? 9. अब 7 में देखो, ये दोनों को तो क्या है? 2, 9 को 2 से मैंने लिख दिया और यहाँ पर 7 से. इन दोनों का भी 9. और थर्ड में 3 एंड 6. अब 3 एंड 6 को देखो, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 तो क्या है? ये भी 9. तो अब हमें क्या करना है? इसी तरह आगे पैटर्न लेते हैं. 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, यानी हम उल्टा करते हैं. फिर क्या करते हैं? 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 6 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9. तो बच्चों ये जो पूरी पैटर्न है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में फिलअप करनी है. अब उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हें कहा है कि डिड यू सी द पैटर्न इन द 9 टाइम्स टेबल. क्या ये जो पैटर्न है वो 9 के टेबल में कंप्लीट होती है? व्हाट नंबर आर एडिंग अप टू 9 और क्या उसका एडिशन भी 9 मिलता है? तो क्या है बच्चों? यस, ये जो पैटर्न है वो 9 के टेबल में कंप्लीट होती है और जो उसका एडिशन है वो भी हमें क्या मिलता है? 9 ही मिलता है. तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखते हैं. तो यस, the pattern in the 9 times table is बच्चों जो यहाँ पर दिया है वो पूरा टेबल है, यानी 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, इसी तरह 1 2 2, 2 2 4, 2 3 6, अब यहाँ पर 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, इसी तरह बच्चों सभी टेबल दिए हुए हैं वो जो आपको अपने से फिलअप करने हैं. यह तक 10 तक के टेबल है, यानी हम पहले कंप्लीट करते हैं 1 का 1 5 या 5. फिर यहाँ पर जो ऊपर नंबर है उससे सभी नंबर को मल्टीप्लीकेशन करना है और यहाँ पर लिखना है 1 6 6, 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9 10.
अब यहाँ पर कौन सा नंबर है, टू है, तो टू को हम ये सभी नंबर से मल्टीप्लीकेशन करके सेकंड लाइन में लिखेंगे। टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा नाइनटीन। अब यहाँ पर कौन सा नंबर थ्री है, तो कि थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन और थ्री जा। इसी तरह यह फोर का फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा सिक्सटीन, फोर फोर जा ट्वेंटी, फोर फोर जा ट्वेंटी फोर, फाइव जा ट्वेंटी फोर। इसी तरह बच्चों ये जो पूरा टेबल है आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट फाइव का है तो फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। तो बच्चों ये टेबल है वो आप अपने घर पर होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पर टेबल में ग्रीन में एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जो बॉक्स बना के दिया हुआ उसे ये है आप देख सकते हो। तो क्या यहाँ पर क्या है, ऐड द नंबर टुगेदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप यानी थ्री सिक्स नाइन, थ्री जो है वो टॉप पर है तो हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे टॉप के जो नंबर है उसका। टॉप पे कौन से नंबर है बच्चों, थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन, यहाँ पर टॉप से बॉटम यानी थ्री सिक्स एंड नाइन। तो बच्चों क्या होता है एडिशन का आंसर, ये चेक करो, इज इक्वल टू एटीन। इसी तरह सेकंड में है एड द नंबर टुगेदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अब जो नंबर लेफ्ट से में है फोर नंबर, वहां से राइट में फोर सिक्स एट, इन तीन नंबर का एडिशन करेंगे। यहाँ पर देखो 4 प्लस सिक्स इज इक्वल टू टेन, टेन प्लस एट इज इक्वल टू एटीन। तो बच्चों द टोटल इज द सेम, यानी कि दोनों नंबर का जो टोटल हुआ टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट वो क्या है बच्चों, सेम है। तो लुक द अनदर सर्च अक्रॉस द कॉपी थीम इन योर नोटबुक, आपको क्या करना है अपनी नोटबुक में पूरा जो टेबल कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसी तरह दो तीन और कॉपी बना दिए। जैसे बच्चों अगर देख लेते हैं यहाँ पे एक और देखते हैं, यहाँ पर हम ये तीन नंबर लेते हैं और ये तीन, यानी आपको दिखाई दे अबे सेकंड चेक करते हैं, ये कौन से कौन से नंबर है, एट टेन ट्वेल्व फाइव टेन फिफ्टीन। पहले एट टेन ट्वेल्व कर लेते हैं, एट प्लस टेन प्लस ट्वेल्व और सेकंड में लेते हैं फाइव प्लस टेन प्लस 15। तो बच्चों देखो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 12 तो गेट 30। अब नेक्स्ट 5 प्लस 10 15 एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 30। तो बच्चों यहाँ पर टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट जो एडिशन होता है वो क्या है, बिल्कुल सेम। अब नेक्स्ट पेज नंबर 150 मार्क द नंबर 1 टू 10 इन द सेम ग्रिड इन वन कलर, आपको क्या करना है ये जो पूरा टेबल कंप्लीट होता है, ये जो टेबल तुमने बनाया वो जो कंप्लीट होगा उसमें क्या करना है, 1 टू 10 नंबर जो है जैसे कि 1 टू 10 यानी 1 3 2 3 4 ये 1 टू 10 और यहां पर भी जितने 1 टू 10 नंबर आते हैं बच्चों इन सभी नंबर में आपको एक डिफरेंट कलर फिलअप करना है, जैसे कि रेड ब्लू ग्रीन आपको जो पसंद है वो कलर, यानी 10 नंबर तक के जो भी नंबर है 1 टू 10 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी नंबर जहां पर भी है उसमें आपको एक कलर फिलअप करना है। सेकंड में मार्क द नंबर 12 टू 20 इन अनदर कलर, यानी 12 से 20 तक के जो नंबर है जैसे कि यहाँ पर 12 है 16 है 15 है 12 14 16 18 ये सब भी मैं क्या करना है एक अनदर यानी वो कोई दूसरा कलर फिलअप करना है। और लास्ट में सिमिलरली मार्क 21 टू 30 इज द थर्ड कलर और 21 से 30 तक के जो नंबर है उसमें आपको
और कोई और कलर फिलअप करना है। तो इन तीन कलर के बाद जो पैटर्न बनते हैं वो आपको देखना है, डू यू सी एनी कलर पैटर्न, और आपको ये बताना है कि ये पैटर्न कौन सी फिलअप हुई। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है फिल द स्पेस विद योर फेवरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी यहाँ पर जो स्पेस दी हुई है उसमें आपको जो फेवरेट मल्टीप्लिकेशन है, यानी जिस जो टेबल आपको फेवरेट अच्छा लगता है वो टेबल का मल्टीप्लिकेशन बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने आगे अभी अभी बनाया 9 का, इसी तरह आपको कोई भी और टेबल बनाना है। जैसे कि हमें कोई 5 का टेबल पसंद है तो आप 5 का टेबल ले सकते हैं, 4 का है तो 4 का, जो भी टेबल आपको पसंद है आप वो टेबल का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट फिनिश होता है, कार्ड हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम वर्कबुक